पैरों में या एड़ी में सूजन क्यों आती है? क्या है इसके प्रमुख कारण? आज हम फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। पैरों में या एड़ी में सूजन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास ओपीडी में कई पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ में आते हैं, तो आज हम पैरों में या एड़ी में सूजन के प्रमुख कारणों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पैरों में या एड़ी में सूजन का सबसे पहला प्रमुख कारण है ट्रोमा, मतलब आपके पैर में चोट लगना। यह चोट एक सामान्य मोच हो सकती है। सामान्य मोच की स्थिति में यह प्राइमरी ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कुछ केसेज में चोट लगने पर आपके हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है, जैसे अंदर के टखने का फ्रैक्चर मीडियल मैल्यूलस फ्रैक्चर, बाहर के टखने का फ्रैक्चर लेटरल मैल्यूलस फ्रैक्चर, या दोनों टखनों का फ्रैक्चर जिसे हम पोर्ट्स एंकल बोलते हैं, या इसके अलावा कोई और फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर आपके पैर में मोच आई है और आपके एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन लंबे समय तक प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको आराम नहीं आता है, तो हो सकता है कि यह आपके एंकल में लिगामेंट की इंजरी हो। लिगामेंट की इंजरी के लिए हमें एमआरआई करानी पड़ती है। एमआरआई से आपके एंकल की इंजरी का प्रॉपर डायग्नोसिस एंड फर्दर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। पैरों में या एडी में सूजन का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है एंकल साइनोवाइटिस, जिसे हम सामान्य भाषा में गठिया बाय भी बोलते हैं। एंकल साइनोवाइटिस का एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, मतलब इसमें बीमारियों एवं कारणों का बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। कई कारण होते हैं, जिसे आज हम सामान्य भाषा में आपको समझाने के लिए तीन प्रमुख बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इसमें पहली बीमारी है रूमेटोइड आर्थराइटिस। रूमेटोइड आर्थराइटिस सामान्य तौर पर मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के रूप में प्रेजेंट करती है, मतलब इसमें आपकी एडी एंकल के साथ ही घुटने, हाथ के छोटे जॉइंट, उंगलियों के जॉइंट्स, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं। कुछ केसेस में यह मोनो आर्टिकुलर साइनोवाइटिस के रूप में प्रेजेंट कर सकती है, मतलब इसमें आपकी केवल एडी में ही दर्द, सूजन या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। इसमें आपके डॉक्टर रूमेटॉइड फैक्टर, आरए फैक्टर, एनटीसीसीपी, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें दूसरी प्रमुख बीमारी है गाउट। आपके ब्लड में सामान्य तौर पर यूरिक एसिड का लेवल 7 या उससे कम होता है। गाउट में आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। कुछ फूड आइटम्स खाने से भी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, जैसे नॉनवेज फूड मटेरियल, अल्कोहल, कुछ बीज वाली सब्जियां जैसे टमाटर, भिंडी एट्सेट्रा, इन सबको खाने से भी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। इस स्पेक्ट्रम में तीसरी प्रमुख बीमारी आती है इन्फेक्टिव साइनोवाइटिस। कुछ इन्फेक्शंस के वजह से भी आपको यह बीमारी हो सकती है, जिसमें टीबी एक प्रमुख कारण है। इस केस में आपके डॉक्टर सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराकर डायग्नोसिस एवं फर्दर ट्रीटमेंट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। पैरों में या एडी में सूजन का तीसरा सबसे प्रमुख कारण है हार्ट डिजीज। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। हमारे हार्ट से ब्लड को हाथों और पैरों में ले जाने वाली नसों को हम आर्टरीज बोलते हैं, और जो नसें हाथों और पैरों से ब्लड को वापस हार्ट की ओर लाती हैं, उन्हें हम वेंस बोलते हैं। जब कभी हमारा हार्ट प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है, हमें कोई हार्ट डिजीज होती है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, तो आपका हार्ट प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है और आपके हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। हार्ट डिजीज की वजह से आने वाली सूजन सामान्य तौर पर बाइलेटरल होती है, मतलब यह दोनों पैरों में बराबर आती है। पैरों में या एडी में सूजन का चौथा सबसे प्रमुख कारण है किडनी डिजीज। किडनी हमारे ब्लड से अशुद्धियों को पानी के साथ बाहर निकालने का काम करती है। जब कभी आपकी किडनी में कोई बीमारी होती है, आपकी किडनी प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है, तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिसके वजह से पानी और उसके साथ अशुद्धियाँ बाहर नहीं निकल पाती हैं। इस वाटर रिटेंशन की वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है।
किडनी डिजीज में होने वाली सूजन भी बाइलेटरल हो सकती है, यानी दोनों पैरों में समान रूप से हो सकती है। किडनी डिजीज में आपके फेस और आईज के चारों ओर भी सूजन आ सकती है। पैरों में या एडी में सूजन का पांचवा सबसे प्रमुख कारण है लीवर डिजीज, यकृत की बीमारियां। लीवर हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन ब्लड में वाटर को होल्ड करने का काम करता है। जब कभी आपको कोई लीवर डिजीज होती है तो यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकती है, जिसके वजह से प्रॉपर रूप से वाटर होल्ड नहीं होता है और आपके पैरों में या एडी में सूजन आ सकती है। लीवर डिजीज में भी होने वाली सूजन सामान्य तौर पर बायलेटरल मतलब दोनों पैरों में समान रूप से देखी जा सकती है। पैरों में या एडी में सूजन का छठा सबसे प्रमुख कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से आपके पैरों में या एडी में सूजन आ सकती है। प्रेगनेंसी में होने वाली पैरों या एडी की सूजन सामान्य तौर पर लेफ्ट साइड में ज़्यादा देखी जाती है, परंतु यह दोनों पैरों में समान रूप से या सिर्फ राइट पैर में भी हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन या बीपी की समस्या है तो यह पैरों की सूजन गंभीर हो सकती है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पैरों में या एडी में सूजन का सातवां सबसे प्रमुख कारण है थायराइड डिजीज। आपके ब्लड में T3 या T4 हार्मोन का लेवल कम आ सकता है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें आपके पैरों में या एडी में सूजन आ सकती है। कुछ केसेस में ब्लड में T3 T4 का लेवल सामान्य होता है, परंतु ब्लड में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ावा आ सकता है। आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इस केस में भी आपके पैरों में या एडी में सूजन आ सकती है। पैरों में या एडी में सूजन का आठवां सबसे प्रमुख कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के केस में पैरों में एडी में सूजन के साथ ही सीवियर पेन, रेडनेस, वार्म्थ भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको सेलुलाइटिस नाम की बीमारी हो। पैरों में एडी में सूजन का नवा सबसे प्रमुख कारण है इंसेक्ट बाइट। इसमें आपके पैरों में एडी में सूजन के साथ ही सीवियर पेन, रेडनेस, वार्म्थ के साथ ही किसी कीड़े के काटने का निशान भी देखने को मिल सकता है। यह आपको इंसेक्ट बाइट, स्कॉर्पियन बाइट या स्नेक बाइट भी हो सकता है। पैरों में एडी में सूजन का दसवां सबसे प्रमुख कारण है वेनस इनसफिशियंसी। हमारी बॉडी में हार्ट से ब्लड को हाथों और पैरों की ओर ले जाने वाली नसों को आर्टरी और हाथों और पैरों से ब्लड को वापस हार्ट की ओर ले जाने नसों को वेन्स कहा जाता है। कुछ केसेज में ये वेन्स प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाती हैं, जिसे वेनस इनसफिशियंसी कहते हैं। हो सकता है आपको वेरिकोज वेन हो। वेरिकोज वेन में आपके पैरों में एडी में सूजन के साथ ही नीले रंग की नसें दिखाई देती हैं। ये नसें सूजी भी हो सकती है। हाथों में पैरों में एडी में सूजन का 11वां प्रमुख कारण है लिम्फेटिक डिसऑर्डर। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की तरह ही एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। कुछ केसेस में लिम्फेटिक सिस्टम जब प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता है तो आपके पैरों में या एडी में सूजन आती है। लिम्फेटिक डिसऑर्डर से होने वाली सूजन सामान्य तौर पर नॉन पिटिंग एडिमा के रूप में प्रेजेंट करती है, मतलब यह उंगली से दबाने पर भी नहीं दबती है। कुछ इन्फेक्शंस में भी लिम्फेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस बिहार एवं उसके आसपास के राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलती है। पैरों में सूजन या एडी में सूजन का 12वां सबसे प्रमुख कारण है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब आपके खून की नसों में ब्लड क्लॉट का जम जाना। DVT सामान्य तौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जो लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, जो लंबी फ्लाइट्स लेते हैं या ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या किसी भी फॉर्म में लॉन्ग ट्रेवल करते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें भी DVT ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में भी हमें DVT देखने को मिल सकती है। पैरों में या एडी में सूजन के प्रमुख कारणों में आखिरी कारण है कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में, जैसे हाइपरटेंशन या BP की दवाइयाँ, जिनमें सबसे प्रमुख है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन, एमलोडिपिन एटसेट्रा। कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन जिनमें रोजीगल्टाजोन, पायोगल्टाजोन एटसेट्रा हैं।
इनके साइड इफेक्ट के रूप में भी आपके पैरों में एड़ी में सूजन आ सकती है। अगर आपको डिप्रेशन है और आप एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिंस यूज करते हैं जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट, इसके भी साइड इफेक्ट के रूप में आपके पैरों में या एड़ी में सूजन आ सकती है। कुछ सामान्य पेन किलर्स जिन्हें हम एनएसएड्स बोलते हैं, इनके साइड इफेक्ट के रूप में भी पैरों में या एड़ी में सूजन आ जाती है। अगर आप कोई हार्मोनल मेडिसिंस लेते हैं जैसे स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो भी एक साइड इफेक्ट के रूप में आपके पैरों में या एड़ी में सूजन आ सकती है।